जब तक वो अपने ज्ञान को अपडेट नहीं
दिमाग जो बड़ा बनाता है वो वही बड़ा बना सकता है, आपको हमको कहा जाए तो हम वही कर सकते हैं। तो शिक्षक अपने ज्ञान से बालक रूपी मिट्टी को एक आकार प्रदान करता है और वह भावी राष्ट्र का सुनागरिक बनने की शिक्षा भी उसको प्रदान करता है। इसके लिए शैक्षिक उन्नयन की जो उपागम है जिसमें समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जाता है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि सेवाकालीन जब प्रशिक्षण एक होता है सेवा पूर्व, एक होता है सेवा पूर्व प्रशिक्षण। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एनर्जी और कार्य के प्रति अनुभव
स्वास्थ्य शारीरिक क्रियाएं आदि से संबंधित माना गया। इस प्रकार से जो है शैक्षिक उन्हें शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है और इसी के लिए जो है शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रम सरकार द्वारा समय समय पर चलाए जाते हैं। जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जैसे NCT है, SCERT है और स्टेट लेवल पर जो ICAR होती है, वे सभी संस्थाएं जो है एक शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए समय समय पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है और उन आयोजन का उद्देश्य ये भी है एक शैक्षणिक शिक्षक की गुणवत्ता उन्नयन को बढ़ाने, व्यवसायिक उन्नयन को बढ़ाने। इस प्रकार से इसका शैक्षिक जो है इसी में केंद्रगत आता है सेवाकालीन प्रशिक्षण। जब शिक्षक नौकरी प्राप्त कर लेता है और शिक्षण का कार्य करता है तो उसको समय पर जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उन ट्रेनिंग को जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहा जाता है, जिसमें एक शिक्षक की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए या नई नई टेक्नोलॉजी से नए नए ज्ञान से परिचित कराने के लिए उसको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग का उद्देश्य यह होता है कि वे आगे आगामी प्रशिक्षण में आगामी शिक्षण में उन उपागमों का उपयोग अपने शिक्षण के अंतर्गत करें। तो इसलिए जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है। अब है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व कि क्या महत्व है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का। पहला है व्यवहारिक परिवर्तन। व्यवहारिक परिवर्तन से तात्पर्य है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में एक शिक्षक के व्यवहार में किस तरीके का परिवर्तन आता है। एक ट्रेन्ड टीचर और एक अनट्रेन्ड टीचर दोनों की कार्य प्रणाली में अंतर देखा जाता है। तो व्यवहारिक परिवर्तन से तात्पर्य है कि ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक टीचर के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है व्यवसायिक कुशलता। जब वो ट्रेनिंग प्राप्त कर लेता है तो अपने व्यवसाय के प्रति कुशलता अर्जन हो जाती है। हम किसी भी व्यवसाय को जिसमें हम कर रहे हैं उससे संबंधित जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके मूलभूत बातों से परिचित होते हैं और वही हमारे को अपने व्यवसाय में कुशलता प्रदान करता है। नेक्स्ट है ज्ञान धारा को, ज्ञान धारा को बढ़ाने हेतु। एक शिक्षक के ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, क्योंकि ज्ञान ही एक शिक्षक का मूल आधार है। या हम ये कहें कि बिना ज्ञान के शिक्षक रूपी शब्द की कल्पना भी नहीं की जाती, क्योंकि शिक्षक का कार्य ही ज्ञान प्रदान करना है और ये कार्य जो है वो तभी करेगा जब उसको स्वयं इसका नॉलेज होगा। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि एक शिक्षक के ज्ञान में वृद्धि करना। मानसिक स्तर में वृद्धि, क्योंकि समय के साथ हमारा मानसिक स्तर यदि बढ़ता नहीं है और हमारा ज्ञान पुराने नॉलेज पर ही आधारित रहता है तो हम सही ज्ञान बालक को नहीं देते, क्योंकि समय परिस्थिति और परिवर्तन के अनुसार कुछ बातें परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ नियम परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ उद्देश्य परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसकी जानकारी भी एक शिक्षक को होना
नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होगा, क्योंकि नए ज्ञान हम जो प्रशिक्षण के दौरान ही एक शिक्षक प्राप्त करेगा और उस प्राप्त ज्ञान को और नए ज्ञान को आगे भविष्य में बालकों को उस ज्ञान से अवगत कराएगा। इस प्रकार से जो है शैक्षिक उन्नयन उपागम के अंतर्गत जो सेवा करें प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका ये महत्व माना गया है, तो एक शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाता है। कार्य आपका है सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व समझाइए। सेवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्या क्या महत्व है अभी आपको बताया है, और मैं तो आपको इसमें 150 शब्द में इसका उत्तर आपको लिखना है, और साथ ही आपका घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं उनका पालन करते रहिए, खांसते और छींकते समय जो है हाथ मलाइए और अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, यही सबसे बड़ा बचाव का उपाय।